उत्तराखंड देवभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अब सोचो इससे बढ़िया अगर 5,000-5,000 रुपए कैंप के मांग रहे हैं। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल रखी है। कौन सा वही जानवर है तो बता सकते हो? बस केदारनाथ जी के कपाट खुले होते ना, ईमानदारी से मैं पक्का बोल। जी वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बड़े दिन के बाद वापस से कैमरा उठाया, वापस से शूट कर रहा हूँ। क्यों? वही सडनली मैंने एक ट्रिप प्लान करी है अपनी, सोलो ट्रिप। था कोई साथ में तो इसलिए मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाला है, देखते हैं कि कैसा जाता है कैसा नहीं। वो आगे चलते चलते बताता हूँ कि कहाँ का ट्रिप है कहाँ का नहीं। अपना बैग पैक हो चुका है, फोन ऑन चार्ज हो गया। अब मैं लेट हो रहा हूँ, बस थोड़ी और पैकिंग रह गई, तुरंत निकलने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं मम्मी अगर उसे। चलो समलो जी भाई, मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी वेडी, अब निकलने के लिए टाइम हो रही है 10-11 बजे तक निकल जाऊँगा मैं तुरंत, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए जा रहा हूँ। अकेला सोलो ही, पहला सोलो ट्रिप है जो भी हो। बैग वो रहा तो चलो मम्मी निकल रहा हूँ, ठीक है? अभी भाई अभी गुजरात जाके आया हूँ मैं 5-6 दिन के लिए। पर व्लॉग नहीं बनाया, मम्मी कह रही थी व्लॉग बना, पर नहीं बनाया था नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, अब इसीलिए मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, तो वहाँ की ट्रिप जरूर जारी रखेगी। एक दिन की ट्रिप है, देख तो कैसा सफर रहता है कैसा नहीं, क्योंकि सोलो ट्रिप होने वाला। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं निकलता हूँ पीछे। ये लोग है गद्दार भाई, सबसे बड़ा गद्दार सबसे बड़ा गद्दार है ये, धोखा देता है सबको। तो चलो भाई निकल रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट हो गई है मेरी, तो मैं निकल रहा हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे, ठीक है ना भाई? जर्नी जर्नी। चलो भाई देखते हैं जैसी भी जर्नी रहती है, क्या रहती है क्या नहीं, निकलता हूँ। बाकी पीछे से देख रहा हूँ और शांत कर रहा था, अभी रोक के आया तो अब निकलता हूँ। चल भाई चलो टाटा। तो चल भाई निकलते हैं, आगे मिलते हैं जैसा भी सोलो पहला ट्रिप है, क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। चलो आगे मिलते हैं, चले भाई ऋषिकेश चलना, चल बैठ बंदा तैयार हो गया तुरंत, ठीक है अब निकलते हैं। तो जी भाई रास्ते में पहुंच चुका हूँ पेट्रोल पंप अपने झंडे वाले मंदिर, हनुमान मंदिर के यहाँ, अपना हनुमान मंदिर ये रहा। यहाँ से फ्यूल अप करवाया मैंने दोबारा, ये अपने कुछ स्कूटी रोड ट्रिप चालू यहाँ से, अपना अपना होगा दिल्ली टू ऋषिकेश सोलो ट्रिप। भाई पहला सोलो ट्रिप है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि थोड़ी एक वो सी हो रही है भाई, क्या कहते हैं घुटन उटन हर चीज की। बस कोई बात नहीं, चलो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो हर ट्रिप सोलो भी मारेंगे यार, कोई नहीं जो चल रहा था यार उसने एक ने मना कर दिया, कोई नहीं कोई भी इशू होगा, तो इसलिए भाई निकलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। फ्यूल अप हो चुका है, आगे जैसे भी जो पॉइंट मिलता रहेगा, जो जो जैसा भी कुछ होता रहेगा सब आपको इंक्वायरी मिलती रहेगी, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो चलो जी भाई फाइनली छोटे हरिद्वार पहुंच गए, बड़ा तो नहीं पहुंचा अभी, छोटा जरूर पहुंच गया। मात्र 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर पड़ता अपने घर के यहीं से ही छोटे हरिद्वार। ये रहा अपना छोटा हरिद्वार, इधर वो घाट है, उधर उधर तो जा नहीं सकता भाई मैं अभी, क्यों रॉन्ग चली जाना पड़ेगा, यूटर्न मार के यूटर्न दूर लंबा पड़ेगा। ये चलता रोड मुरादनगर वाला अपना छोटा हरिद्वार, ये अपनी गंगा चल रही छोटी गंगा वहाँ से वो चल रही। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई अभी 12:30 हुई है, 1 घंटे के अंदर पहुँचा हूँ नेट अपना 50 किलोमीटर कवर करा है, ये ऐसे 1-1 घंटे के हिसाब से करूँगा, वो भी बहुत रहेगा। तो चलो चलता हूँ, यहाँ पे मैं रुका था थोड़ा भाई, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेते यार, 1 घंटा कंटिन्यू चला, उसके बाद अब निकलता हूँ दोबारा। बाकी रोड चल रहा है हाईवे, अब निकलता हूँ छोटे हरिद्वार पहुँच गया वापस, निकलता हूँ अब मिलूँगा आगे मेरठ पे। चलो चलो जी भाई फाइनली मैं मेरठ पहुँच चुका हूँ, बस थोड़ी सी देरी में वहाँ रुका था, उसके 15 मिनट बाद मेरठ हाईवे पहुँच चुका हूँ। अब मेरठ हाईवे से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तुरंत, क्योंकि मेरे को नॉन स्टॉप जाना है आपके ऋषिकेश के टाइम से पहले पहुँचना है यार अपन को। क्यों? क्योंकि भाई ऋषिकेश के अंदर जो जाम मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा, इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ अंधेरे अंधेरे के अंदर ऋषिकेश मार दूँ, भले वहाँ जाके 2-3 घंटे भले गाड़ी लेके खड़ा रहूँ, चिंता नहीं है अपन को। इससे पहले मैं सोचता हूँ निकल जाऊँ, तो निकलता हूँ मैं तुरंत। बाकी यार देखो नाइट का मोड है सिनेमैटिक, अब देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो भी कोशिश करूँगा जो भी देखने के अंदर उस हिसाब से मैं चलता हूँ। इधर रुका था मेरठ बाईपास, ये बस मेरठ बाईपास यहाँ से है, तो मैं निकल रहा हूँ तुरंत।
हरिद्वार पहुंच चुका हूँ, मतलब हरिद्वार घाट पे नहीं, हरिद्वार पे एंटर कर चुका हूँ। टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है, 4 बज रही है, हरिद्वार में मैं पहुंच चुका हूँ। बस हरिद्वार अपना रह गया 50 किलोमीटर, मतलब हरिद्वार जो अपना घाट वाट हल्की पौड़ी है वो रह गया है, बाकी तो हरिद्वार में मैं एंट्री कर चुका हूँ। बाकी थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने के लिए यहाँ रुका था चाय वाय पीने के लिए, अब मैं सोचता हूँ चाय वाय पीता हूँ फिर वापस निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई 8 से 9 बजे मेरे को अपनी लोकेशन पर पहुँचना है जहाँ मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरे लिए भी यार एक्सपेंसिव लोकेशन है वो, कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वो भी सोलो ट्रिप के साथ, तो कोई नहीं चलो पहुँचता हूँ, बस चाय वाय निपटाता हूँ उसके बाद मैं पहुँचता हूँ तुरंत। चलो ओहो हो उत्तराखंड देवभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत हो, आपके साथ मेरा भी हूँ, मेरा इसलिए भाई तो स्वागत करने वाला ही नहीं है, आप लोग जो करवाओगे सो होगा। भाई पहुँच चुका हूँ नेट हरिद्वार हर की पौड़ी, अपना जो भोले बाबा की शिव मूर्ति है वो ये रही भाई, बहुत खुशी सी हो रही है यहाँ पहुँचने के बाद। बाकी ये रही अपनी हर की पौड़ी की जो बैल कहते हैं हम घंटाघर हर की पौड़ी का, बाकी ये अपनी गंगा जी जा रही, बाकी ये अपना फ्लाईओवर, भाई कोई से भी गाड़ी निकल रही है ना यहाँ से मतलब फ्लाईओवर पूरा हिल रहा है धुम 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 करके, ये देखो इतनी बस जाएगी ना बस में और तगड़ा होता है। भाई आप भी गंगा मैया के दर्शन कर लो, अभी तो मैंने कर लिए मैं, क्योंकि अभी रुकूंगा नहीं यहाँ पे, टाइम हो रहा है 6 बज रही है, वहाँ से मैं निकला था 5 बजे पूरा 1 घंटे का पावर नैप लेने के बाद, अब टाइम देख सकते हो आप भी 6 बज रही है पूरी नेट, तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ हरिद्वार अपना। मैंने हर जगह जहाँ भी थोड़ा रेस्ट लिया ना एक एक घंटा तो लिया है, वहाँ मेरठ के आसपास रुका था वहाँ भी 1 घंटा पूरा लिया, फिर उसके बाद यहाँ भी लिया, क्योंकि उसके बाद भाई ये फ्लाईओवर पूरा जो फ्लाईओवर है ना पूरा इस लोहे की रॉड वॉड से सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई, बाकी इनके वजह से टिका हुआ है। बाकी चलो कोई बात नहीं, बिना कोई देरी करते हुए हम यहाँ से निकलते हैं, माहौल जबरदस्त हो रहा है पता है यहाँ, मतलब थोड़ा पास में आना कप कपी सी हो रही है, गंदी गर्मी इतना क्या था, बस 2 घंटे की और देरी है, 2 घंटे के बाद मैं खुद क्या हो गया भाई, धूप के थपेड़े पड़ रहे हैं जबरदस्त धूप के, इतना मैं कह सकता हूँ कि पड़ेगा जबरदस्त। कोई नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर लो आप, मैंने तो भाई बहुत बार कर रखी है आपको ही, मैंने लगभग 2 से 3 बार तो जरूर करवा चुका हूँ, पर कोई नहीं अब ऋषिकेश अपना कैंपिंग का फुल माहौल मौज काटते थे, मैं इसलिए यहाँ नहीं रुक रहा, मेरा रुकने का मन था, मैं सोचता नहा के जाता पर नहीं यार, क्यों, क्योंकि भाई यार अपना क्या है कि जाम वाम ना लग जाए इस चक्कर में, क्योंकि वीकेंड का वार है, वीकेंड का दिन है, मतलब संडे है आज, इस हिसाब से क्योंकि भीड़ ना लग जाए ऋषिकेश में, जाम ना मिले यार, इससे बड़े अपनी लोकेशन पर पहले ही पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँचने के बाद भले मैं 2 से 4 घंटे बाहर बैठ के मौज काट लूँ अपनी कोई नहीं चलेगा, इससे पहले मैं पहुँचूँ तुरंत बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं निकलता हूँ। बाकी एक बार और दोबारा आप गंगा मैया के दर्शन कर लो, बोलो शंकर भगवान की जय, घर से नारा नहीं लगाया था कोई बात नहीं, चलो एक बार और लगा देते, बोल शंकर भगवान की जय, चलो चलते बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ से एक बार और दोबारा कर लो, मेरा मन नहीं भर रहा आप लोगों को दर्शन करवाने से, पर तो भी कर ही लो, और ये अपने भोले बाबा मूर्ति। चलो जी भाई मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूँ, मतलब एंटर कर चुका हूँ यहाँ से, एक बार फ्यूल भरवाया, थोड़ा मुंह धोया, मुंह धोने के बाद आंखें जज मत करना कि कैसी हो रही है, बहुत लाल हो रही है मेरे को भी पता है। बाकी ये देखो भाई अपने हेलमेट, यहाँ मच्छर, हमने तो यही सुना था कि लोगों की भाई विंडशील्ड पे ही मच्छर जमते हैं, और हमारे हेलमेट पे भी हम साफ करेंगे कि मच्छर मरे हुए हमने हेलमेट की विंडशील्ड, तो जैसे फिल विल फुल करवाया, अब निकलता हूँ मैं यहाँ से, मतलब अपनी लोकेशन से मैं खाली 1 घंटे की दूरी पे हूँ, वहाँ पहुँच के भले मेरे को कैंप नहीं मिले तो भी मैं बाहर सो जाऊँगा, पर वहाँ पहले पहुँचूँगा तो चलो रास्ते में जो भी होता है मैं करवाता हूँ। चलो चलो जी भाई मैंने ऋषिकेश कवर कर चुका हूँ, मैं ऋषिकेश से मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ 5-6 किलोमीटर, लोकेशन कुछ यही हो रही है पहाड़ों वाली, GPS लगा रखा है वो दूसरे वाले फ़ोन में, मैं यहाँ मैं वहाँ रुक नहीं पाया, क्यों भाई ट्रैफिक वैफिक बहुत सा हो रहा था, इस चक्कर में मैं यहाँ आ गया। बाकी व्यू देखो भाई, मतलब ये लगा लो केदारनाथ ट्रिप वाली फील आ रही है पूरी के पूरी, मतलब ये समझ लो देखो वहाँ गंगा नदी चल रही है और मैं इधर हूँ, बाकी वहाँ रूम पर, बाकी मैं अपनी लोकेशन पर पहुँचने वाला हूँ बस 10 किलोमीटर और दूर, क्योंकि जो सोचा था ना वो जाम है,
अब मेरा टाइम अराइवल देख लो अब कितना हो रहा है, ये 7:30 7:30 बजे में जाम लग रहा है। बस मैं तुरंत पहुंचने वाला हूँ, पहुंचते ही मिलता हूँ, क्योंकि मैं बिना मतलब मैं लेट ना आ जाऊँ। वहाँ जाके भले मेरे को 1-2 से 4 घंटे रेस्ट करना मिले, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे को पहले उस लोकेशन पर पहुँच के विजिट करना है। तो चलो जी सारा भाई, इस लोकेशन को देख के मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं यहाँ रुकूँ, मतलब कैंपिंग करूँ। मेरा तो मन कर रहा है ऊपर चढ़ता जाऊँ भाई, जहाँ तक पहुँचता जाऊँ। मन तो कर रहा है ऊपर तक पहुँच जाओ, बस केदारनाथ जी के कपाट खुले होते ना, ईमानदारी से मैं पक्का पहुँच जाता। कोई नहीं, इस व्यू के मज़े लेते लेते मैं अपनी कैंपिंग पर पहुँच जाता हूँ। अगला सोलो केदारनाथ ट्रिप भी मान लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो चलो इधर मैं खड़ा हूँ, कौन सा वही जानवर है तो बता सकते हो, मतलब खतरनाक रहा बता सकते हो तो भाई कमेंट करना। देखो पहाड़ों में मेरे को, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन है ये। चलो जी यार, मैं भाई साहब इतना परेशान हो गया हूँ, मैं कब पहुँचा था आपको टाइम वगैरह दिखाई, अब 7:10 बजने वाली है। ठीक गंदा सीन हुआ ना मेरे साथ, पर मैं क्या करूँ, चलो यार छोड़ो। मेरा मन तो इतना कर रहा, मैं वीडियो शूट करूँ, पर मैंने कहा नहीं रहने दो यार, क्या वीडियो शूट करनी। मैं ऐसी लोकेशन से निकल के आया हूँ ना, मतलब A1 क्वालिटी में, वहाँ शूट भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊँ शूट करूँ थोड़ी सी जगह में करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अब ये समस्या बाहर था मेरा, तो यार दिमाग इतना आउट हुआ ना, अब मेरा मन कर रहा है कहीं रुकूँ ना सीधा, या तो घर निकल जाऊँ, नहीं तो हरिद्वार में नाइट स्टे कर लूँ। भाई साहब इतने आराम ही, अब सोचो इससे बढ़िया अगर 5,000-5,000 रुपये कैंप के मांग रहे हैं। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल रखी थी, तो भी उनको पता पार्टी आ रही है भाई तगड़ी। इससे बढ़िया अपनी चद्दर लेके ना, इसे देखो ये रोड है ना, इधर चद्दर लेके इधर सो जाओ, उससे बढ़िया मैं वापस इतना घूम के, मतलब 40 किलोमीटर 20 आना 20 जाना, वो भी इतना खतरनाक रास्ते से शूट नहीं कर पाया कि मैं गाड़ी चलाऊँ शूट करूँ। स्टैंड था, स्टैंड की वजह से करने, और नींद आ रही है ज़बरदस्त। अब मैं एक लोकेशन पे और जाना चाह रहा हूँ कि जहाँ हमने पहले एक बार कैंपिंग करी थी वहाँ मिल जाता कैंप तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं सीधा हरिद्वार में रूम लूँगा, हरिद्वार वापस जाके हरिद्वार में रूम लेके वहीं नाइट स्टे करूँगा, हरकी पौड़ी के मज़े दिला दूँगा। राफ्टिंग के लिए भी कुत्ते की तरह भीड़ है, ऐसे मर रहा था कि साला लंगर बट रहा हो। तो बोलो चलो भाई कोई बात नहीं, ये ब्लॉग मैं करता हूँ यहीं एंड। अगर मेरे को कैंप मिलता है तो दूसरा ब्लॉग मैं कैंप से स्टार्ट करूँगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।